देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव और गंभीर हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की शाम देश को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 22 मार्च यानी रविवार की सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस अपील का देश भर में क्या असर होगा यह तो रविवार को ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच तिरोड़ी तहसील के ग्राम कोयलारी में इस अपील को स्वीकार करते हुए पूर्व से तय एक वैवाहिक कार्यक्रम को वर वधू के परिजनों ने स्थगित कर दिया है। वर वधू के परिजनों ने आपसी सहमति से वैवाहिक कार्यक्रम शनिवार को ही केवल चंद रिश्तेदारों के बीच में पूर्ण किए। वहीं वैवाहिक कार्यक्रम के पश्चात आयोजित होने वाले आशीर्वाद समारोह को रद्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को ग्राम कोयलारी में चुन्नीलाल राउत की सुपुत्री प्रिया का विवाह बोरगांव नागपुर महाराष्ट्र निवासी शंकर तंबाड़े के सुपुत्र योगेश के साथ होना था। इस वैवाहिक कार्यक्रम की पूरी तैयारियां की जा चुकी थी। वर वधू दोनों ही पक्षों ने अपने नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण भी दे दिया था, परंतु अचानक से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और प्रधानमंत्री की अपील के बाद इन दोनों ही परिवारों ने आपसी सहमति से वैवाहिक कार्यक्रम की तिथि बदलकर एक दिन पहले यानी रविवार की बजाय शनिवार को कर ली है। नमो तस् भगवत संपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु। साधु साधु हमारे सिस्टर की शादी जो 22 मार्च को होनी थी वो हमने प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए 22 तारीख की जो शादी थी उसको 21 तारीख में ही कर दिए। केवल परिवार के बीच में और परिवार के बीच में ही करके ख़त्म कर दिए।